हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ जो पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके अंदर वैकेंसी आई थी। उसका मैंने वीडियो बनाया, लेकिन फुल नोटिफिकेशन नहीं था उस टाइम, और फुल नोटिफिकेशन आ भी गया था लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से मैं उसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, जैसे फिजिकल होगा उसके अंदर, तो फिजिकल में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे, किस टाइप का एग्जाम होगा, क्या रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्या रिजर्वेशन दिया जाएगा आपको, वो सारे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। तो हम चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहा है घंटी का निशान, उसको भी जरूर दबा लेना। यहाँ पर हम सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ 10% जो वैकेंसी थी, जो 10% वैकेंसी थी उनका रिजर्वेशन दिया जाएगा, सॉरी जो टोटल वैकेंसी थी उनका 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन के लिए। यदि एक्स सर्विसमैन वैकेंसी फिल्ड नहीं होती है एक्स सर्विसमैन से, तो फिर उनको आउटसोर्सिंग के द्वारा ही फिल किया जाएगा। तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट या पॉइंट हम देखेंगे, सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए कि कौन कौन से फिजिकल होंगे हमारे और क्या क्या वहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा हमारे लिए अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी और अदर क्राइटेरिया। तो चलते हैं, हम फिजिकल पे आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर इंस्पेक्टर SI मीन्स इंस्टापनर्स, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट एंड डाइटिशियन एंड टेक्निकल, वो सॉरी डेंटल टेक्नीशियन, ASI लैब टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन। तो सभी का हम यहाँ देख लेते हैं, एक साथ ही दिया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट की। तो हाइट यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी EWS SC एंड OBC, यहाँ पर इन सभी को 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। 170 सेंटीमीटर्स का यहाँ मीन्स है 66 इंच कुछ पॉइंटों में आएगा, तो इतना। और फिट के हिसाब से देखा जाए तो 5 फीट 6 इंच यहाँ पर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एंड यहाँ पर चेस्ट जो है, सभी जो कैटेगरी हैं अनरिजर्व कैटेगरी EWS SC एंड OBC, उस जो चेस्ट चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए वो 80 सेंटीमीटर चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। आप जैसे ही सांस लोगे तो चेस्ट अपना फूलता है, तो वो एक्सपेंशन है ना, वो 5 सेंटीमीटर का होना जरूरी है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल के लिए जो चेस्ट है वो नॉट एप्लीकेबल है, फीमेल का कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट इन्होंने नीचे भी दिया हुआ है, बट मैं वहाँ पे आपको नहीं बताऊँ, यही मैं बता चुका हूँ आपको कि यहाँ फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो शेड्यूल ट्राइब का से यदि आप बिलोंग करते हो तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर, जैसा कि आपने अभी देखा 170 चाहिए थी मेल की, लेकिन यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए, यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और कुछ ये स्टेट वाइज है, जैसे कैटेगरी, जैसे घर वाले, ये जो भी कास्ट कैटेगरी हैं और इन स्टेट से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनको भी यहाँ पर इस हाइट के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाएगा 165 सेंटीमीटर एंड 155 सेंटीमीटर। तो आप ये देख लेना है, स्टेट जैसे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से बिलोंग करते हो तो आपको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। चेस्ट रिलैक्सेशन हम देख लेते हैं। ट्राइब शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए 7.6 से लेके 8.1 सेंटीमीटर्स तक यहाँ पर इसके बीच में होना जरूरी है। एंड ये जो स्टेट वाइज है इसका 78 से लेके 83 तक होना जरूरी है, लेकिन फीमेल के लिए कोई सा भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो उससे हमें देख लेना है। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर रेस होगी। रेस आपको एक मील रेस करनी है 7.30 सेकंड में, मतलब 7.5 मिनट के अंदर। जो मेल कैंडिडेट्स है उसको एक मील रेस करना है और फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर 6 मिनट में दौड़ लगानी है। जंप होगा, एक लॉन्ग जंप होगा जो कि 10 फीट लंबा जंप होगा। 3 चांस मिलेंगे आपको,
10 फीट लंबा जंप करने के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 6 फीट का जंप होगा लॉन्ग जंप, जिसमें 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप होगा मतलब उछाल के लिए होगा, यहाँ पर जो 3 फीट ऊंचा आपको उछलना पड़ेगा और इसके भी 3 चांस होंगे। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2.5 फीट का मतलब 2.5 फीट का होगा जो हाई जंप होगा वो। तो इस प्रकार यहाँ पर आपने देखा कि फिजिकल स्टैंडर्ड इस प्रकार था। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ फिजिकल जो है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, एक मील का मतलब है यहाँ पर 1.6 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर आपको 1.5 किलोमीटर मैक्सिमम दौड़ लगानी है। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड जो पॉइंट्स हैं इनके। जैसा कि कोई फीमेल कैंडिडेट्स है वो अभी प्रेग्नेंट है या फिर एट टर्म मतलब उस टाइम डिलीवरी हुई है जब फिजिकल आपका होगा उस टाइम, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, वो किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, तो यहाँ पर ऑल इंडिया के अंदर 9 एग्जाम सेंटर रहेंगे आपके, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर और मुजफ्फरपुर और पल्लीपुरम। तो आपको आपको दो ऑप्शन मिलेंगे चूज करने के लिए। आप फॉर्म का भी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा तो देख सकते हो आप, वहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको सेंटर चूज करने के। तो आपके जो फैसिलिटेट हो जो भी सेंटर वो आप फिल कर लेना। एग्जाम फीस यहाँ पर अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी की ₹200 एंड ओनली फॉर ग्रुप बी के लिए, और ₹100 आपके सी ग्रुप के लिए है। SC ST की यहाँ कोई फी नहीं है, ओनली अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए यहाँ जो फीस है वो एप्लीकेबल है। यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और किसके फेवर में बनवाना है वो आप यहाँ देख सकते हो। बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल पेबल एट SBI बंगरसिया। ओके, हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है आपको फॉर्मेट में अभी बता दूंगा। वो फॉर्मेट आपको डाउनलोड कर लेना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से और उसको फिल करके, और जो असेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको लगाना है और बाय पोस्ट या बाय एंड आपको सबमिट कराना है। और इसकी ओपनिंग डेट मैं पहले वीडियो में बता चुका और अभी बता रहा हूँ, 20 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी 31 अगस्त है, तो आप जरूर से फॉर्म अप्लाई करिए। ऑफलाइन इसके फॉर्म है, फिर आप कमेंट्स में पूछते हो सर ऑफलाइन है ऑनलाइन है, मैं अभी बता रहा हूँ ऑफलाइन फॉर्म है आपके। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम किस पैटर्न में होगा। तो चलिए हम एग्जाम के पेज पर चलते हैं। ये आ गया अपना एग्जाम पैटर्न। आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा पार्ट ए और पार्ट बी में, दो पार्ट होंगे आपके। पार्ट ए के अंदर आपके 10 क्वेश्चन होंगे, वो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे वो जनरल अवेयरनेस के होंगे, एंड 15 क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के होंगे, और 15 क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से होंगे। और आपको जो एग्ज़ाम मिलेगा वो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। ये तो हो गया पार्ट ए। पार्ट बी के अंदर आपका जो टेक्निकल है, जो आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई, जैसे आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आपके ट्रेड से ही रिलेटेड 50 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स गेन करेगा, मतलब 100 है तो 100 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार आपको क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिए हुआ है, अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के लिए 50 मार्क्स परसेंटेज टोटल मार्क्स चाहिए, SC ST OBC के लिए 45। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हो, ये थी मेन जो जानने वाली चीज़ थी इस मतलब वैकेंसी के अंदर। और कुछ यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के आधार पर भी यहाँ पर आपको बोनस अंक दिया जाएगा, जैसे वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर इन रेस्पेक्टेड ट्रेड, यदि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे, मतलब पर ईयर 1 अंक आपको यहाँ दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है जो इनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए, यदि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो आई होप आपको वैसे सारी जानकारी समझ में आई होगी। तो यही इंपॉर्टेंट थिंग्स थे इस वैकेंसी के, और कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी दिए हुए हैं, जैसे आपको किस किस कंडीशंस में आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो ये सब आप देख सकते हो। मैं नहीं बता सकता इतना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे ये सब एबनॉर्मलिटी यदि आपके अंदर है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर पूरा चेक कर सकते हो।
कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। तो आप विदाउट हेजिटेट होके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके, और मुझे अच्छा लगता है आप कमेंट्स करते हो तो आप कमेंट जरूर से किया करो, और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लेना। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलेंगे ऐसे किसी न्यू अपडेट्स के।